वेलकम माय फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक के अंदर की जो बात होगी वो होगी बिहार के संदर्भ में, ये इंडिया के संदर्भ में नहीं है, बिहार के संदर्भ में है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इन बिहार। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 1960 के दशक से पहले भारत में जो भी कृषि हुआ करती थी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही हुआ करती थी। 1960 के दशक में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से हमने हाइब्रिड सीड्स का उपयोग किया और हाइब्रिड सीड्स से अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए जरूरी था कि हम फर्टिलाइजर का यूज करें, तब से भारत में फर्टिलाइजर का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया। भारत ही नहीं पूरे विश्व में फर्टिलाइजर का प्रयोग बढ़ गया अधिक उत्पादन एवं उत्पादकता प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसके जब साइड इफेक्ट्स बहुत सारे दिखाई देने लगे, जिस प्रकार से पर्यावरणीय संतुलन होगा, शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी, तब जाकर के लोगों ने पुनः प्रकृति की ओर लौटने को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की। और भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो शुरुआत देखी जाती है, जो सरकार के एजेंडे में शामिल होता है, वह होता है 2000 ईस्वी में, जब एक प्रोग्राम लाया जाता है जिसका नाम है एनपीओपी, एनपीओपी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये 2000 में कार्यक्रम शुरू किया जाता है। लेकिन सरकार की अभी तक पॉलिसी में ये इसको शामिल नहीं किया गया था। एजेंडे में था ये हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, लेकिन पॉलिसी आती है 2015 ईस्वी में भारत में, जब नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA। अब नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है, इसके अंतर्गत दो सब प्लान शुरू किए जाते हैं। एक प्लान है जिसका नाम है MOVCDNER, इसका फुल फॉर्म है, क्योंकि हर का अगर शॉर्ट टर्म एब्रिविएशन दिए हुआ है तो उसके हम जो फुल फॉर्म निकालते हैं तो अपने आप उसके बारे में पता भी चल जाता है। इसका फुल फॉर्म है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, क्योंकि इसी का सबमिशन के था, ये 2000 में था, 2015 में शुरू किया गया, तेरह कब था 2015 ईस्वी में, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोग्राम था। इसका उद्देश्य था नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो जीवा निर्वाह कृषि है उसको व्यावसायिक जैविक खेती में परिवर्तित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था, जीवा निर्वाह को व्यावसायिक खेती में परिवर्तित करना। ठीक है, अब दूसरा है, इसे हम बोलते हैं PKVY, इसे बोलते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना। ये भी चूंकि इसका सब मिशन था, ये भी शुरू किया जाता है 2015 ईस्वी में। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था जैविक खेती का समर्थन एवं प्रचार, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो। चूंकि जैसे कि हमने बताया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार से फर्टिलाइजर का अत्यधिक प्रयोग किया गया, हालांकि अभी भी एवरेज हमारे यहाँ कम है बाकी विश्व से, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ मिट्टी की गुणवत्ता का जिस प्रकार से बुरा असर दिखाई दिया, हालांकि पंजाब में बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ ऑल ओवर इंडिया का जो है वो कम है, लेकिन पंजाब का अपने आप में ज्यादा है, विश्व के एवरेज से अधिक है। तो जिस प्रकार से दुष्परिणाम देखने को मिला उसको ध्यान में रखते हुए जैविक खेती का समर्थन एवं प्रचार के परिणाम से मिट्टी गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई 2015 ईस्वी में। ठीक है, तो ये था भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक छोटी सी संक्षिप्त चर्चा, जिसे हमने कहा कि 2015 ईस्वी में शुरू किया गया था, जो सरकार के एजेंडे में शामिल था, जिसे बोलते थे NPOP, नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद देखा जाता है कि इसके प्रयास जो पॉलिसी के रूप में जो आता है वो आता 2015 ईस्वी में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के द्वारा। इसके दो सब मिशन है, ये हो जाती है, ये एक सोची थी संक्षिप्त चर्चा है बिहार के बारे में, इंडिया के बारे में।
जब हम बिहार के बारे में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करते हैं, अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग सिंपल सा मतलब होता है केमिकल फ्री फार्मिंग। केमिकल फ्री फार्मिंग, केमिकल फ्री मतलब केमिकल चाहे फर्टिलाइजर में हो, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, चाहे इंसेक्टिसाइड्स हो, ठीक है, या फिर सीड्स के कहीं पर भी अगर केमिकल का यूज होता है तो उस केमिकल का हमसे खेती को निर्मुक्त रखें। तो केमिकल फ्री एग्रीकल्चर ही फार्मिंग ही जैविक खेती होती है। अब बिहार के संदर्भ में बात करते हैं, क्योंकि हमारा उधर से बिहार के संदर्भ में फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन बिहार, तो बिहार में है। बिहार सरकार ने 2009 ईस्वी में नालंदा जिले के सोहडी गांव से सब्जी उत्पादन से जैविक खेती की शुरुआत की। सोहडी गांव नालंदा जिले के सोहडी गांव से जैविक खेती की शुरुआत की। वर्तमान में बिहार में जैविक खेती की चार योजनाएं चल रही हैं। बिहार में चार योजनाएं चल रही है। प्रथम है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, प्रथम है दियारा विकास योजना, दूसरा है जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, तीसरा है कृषि इनपुट योजना और चौथा है केंद्रीय परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, दियारा विकास योजना, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, कृषि इनपुट योजना और केंद्रीय परंपरागत कृषि विकास योजना, ये चार योजनाएं बिहार में चल रही है जैविक खेती को ध्यान में रखते हुए। अब आइए देखते हैं कि चारों है क्या। प्रथम दियारा विकास योजना, दियारा विकास योजना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना, दियारा विकास योजना जो है जो तीसरा कृषि रोडमैप था, थर्ड कृषि रोडमैप बिहार का, उसके तहत गंगा नदी के किनारे स्थित 12 जिलों के साथ साथ नालंदा में भी जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा। लिखा हुआ है थर्ड कृषि रोड मैप के तहत बिहार के गंगा नदी के किनारे स्थित 12 जिलों के साथ साथ नालंदा में जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और गंगा नदी के 12 जिले हैं प्लस एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट, कुल 13 जिलों में दियारा विकास योजना प्रारंभ है, जिसके तहत जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जैविक कॉरिडोर बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो गंगा जो हमारे प्रदूषित होती जा रही है उसका प्रदूषण भी मुक्त हो और जैविक खेती को बढ़ावा भी मिले, ठीक है। और गंगा नदी के किनारे जो है कुल बिहार में 245 ग्राम पंचायत आते हैं, ठीक है, कितने आते हैं 245 ग्राम पंचायत गंगा नदी किनारे जो है। तो सिर्फ गंगा नदी किनारे जो जो ग्राम पंचायत आ रहे 245 ग्राम पंचायत किसमें ही 12 जिलों में ही है, प्लस में नालंदा डिस्ट्रिक्ट के जिले भी शामिल हैं, लेकिन वो 245 के अलावा है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा द्वितीय जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत 9000 बर्मी कंपोस्ट प्लांट लगाने का प्रावधान है। तृतीय कृषि इनपुट योजना, कृषि इनपुट योजना जो है, कृषि इनपुट योजना से किसान सब्जी के बीज, जैविक खाद, कीटनाशक आदि खरीदते हैं। चतुर्थ है केंद्रीय परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत तीसरे कृषि रोड मैप में दनियावा से बिहार शरीफ तक राजमार्ग के किनारे जैविक गांवों का विकास किया जा रहा है। जैविक राजमार्ग ये NH है, NH 31 के किनारे जैविक गांवों का विकास किया जा रहा है। तो ये थे चार महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो कि बिहार में चलाए जा रहे हैं। अच्छा, बिहार में महत्वपूर्ण यह है कि जो बिहार में ऑर्गेनिक उत्पाद बनते हैं उनको सर्टिफाइड कौन करता है? तो होता क्या है कि अपीडा भी बोलते हैं, अपीडा मान्यता दिया है इस चीज के लिए NPOP को, ठीक है। और NPOP के तहत बिहार जो है, बिहार में इसको सर्टिफाइड करने का काम जो है बाशोका करता है, समझिए बात को। NPFT एग्रीकल्चरल APD एपेडा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
ये जो है मान्यता दिया है एनपीओपी को, नेशनल प्रोग्राम ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को, ठीक है, कि आप जो है इसको सर्टिफाइड कीजिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को। लेकिन बिहार सरकार ने इसी योजना के तहत बासुका बनाया है, और बासुका जो है बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, बिहार में जो है बासुका जो है वो जैविक प्रोडक्ट को मान्यता प्रदान करती है। कौन सा जैविक प्रोडक्ट किस में, जैसे कि मान लेते हैं कि जैविक प्रोडक्ट है कि नहीं है, तो जैविक प्रोडक्ट में C1, C2 और C3 तीन प्रकार का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अब C1, C2, C3 है क्या? पहले इससे पहले ये जान लें कि कोई भी भूमि जो है जहां पर पहले से केमिकल का यूज होता आ रहा है, वहां पर अगर हम जैविक खेती प्रारंभ करते हैं तो उस भूमि को पूरी तरह से जैविक होने में 3 वर्ष का समय लगता है। कितना? 3 साल का। 3 साल लगता है जब उस भूमि पर खेती करते हैं, तब वहां पर वो जैविक भूमि हो जाती है, ऑर्गेनिक भूमि वहां पर ऑर्गेनिक लैंड हो जाता है। तो पहले साल जो जैविक खेती की जाती है, तो उस वहां से जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको हम लोग बोल देते हैं C1, उसको C1 सर्टिफिकेशन मिलता है। दूसरा, जब दूसरे साल उसी पर, तो C2, और जब तीसरे साल में जब पूरी तरह से जब भूमि ऑर्गेनिक है, तो उसको क्या दिया जाता है? C3। ठीक है, तो ये था हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन का काम जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का होता है। अपेडा ने मान्यता दिए हुए है एनपीओपी को, और एनपीओपी जो है के तहत ही बिहार सरकार बसुका बनाया, बसुका जो है सर्टिफिकेशन का बिहार में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के उत्पाद को मान्यता देती है। तो इसको देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।